तो ये है और काफ़ी बड़ा है। तो पधारो मारे दे अम्मा कनी कुलधरा का ट्रिप तो हो चुका है, अब जा रहे सैम एंड ड्यून्स ना, और 15 किलोमीटर भी यहाँ से बचा है, अब बढ़ रहे हैं अब आगे। और पूरा मरुस्थल कहते हैं ना जो रेगिस्तान, वो दिख रहा है, हार डेजर्ट है ये। तो ये लास्ट विलेज आ गया है, इसका नाम है कैनोई, जहाँ इसके बाद रेगिस्तान शुरू होने वाला है। अभी एक टोल आएगा, वो टोल में क्या होता है, आपको 10-10 रुपये पर पर्सन देने पड़ते हैं, जिसमें उसी पैसों से सफाई वगैरह में यहाँ यूज किया जाता है, जो लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो उसी से सफाई कर्मियों को दिया जाता है। तो पहुँच चुके हैं पायल सफारी कैंप में और अपना शाम का प्रोग्राम, और अभी जीप से भी जो हमने जाना है सब कुछ अब यहीं से होगा, वापसी भी यहाँ होगी। और स्पेशली रेगिस्तान में जाने से पहले आपको थोड़ा अपने बालों को भी कवर कर लेना है, धूल काफ़ी उड़ती है, गॉगल पहन लीजिएगा। अब चलते हैं पायल सफारी कैंप, काफ़ी अच्छे टेंट्स हैं यहाँ पर, स्विस टेंट्स। पायल सफारी कैंप, ये है और काफ़ी बड़ा है, ये तो काफ़ी टेंट्स हैं यहाँ पे, और सनसेट भी ऐसी रेगिस्तान में जाके होगा। तो जनरली लोग यहाँ पे रात को रुकने आते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि वापस जाएंगे। तो आ चुकी है गाड़ी, अब हम चलते हैं, अभी रेगिस्तान जा रहे हैं भैया, ठीक है रेगिस्तान की तरफ। तो जीप में बैठकर हम चल दिए सैम सैंड ड्यून्स नामक रेगिस्तान, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर था। तो धीरे धीरे समय की गति के साथ चलकर हम पहुँच गए थार के मरुस्थल, जिसमें सफारी जीप में बैठना मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, जो कि रोमांचकारी होने के साथ साथ डरावना भी था, और ऐसा लग रहा था अब पलटे तब पलटे। तो पहुंच चुके हैं सैंड्स ड्यून्स में एंड सामने बेहतरीन सनसेट हो रहा है। एंड हर जगह यहाँ पे गाड़ियां हैं, लोग ही लोग हैं, इट्स अ टूरिस्ट एरिया, यू आप साइलेंट वाला भी कर सकते हैं, नॉन टूरिस्ट वाला, ये टूरिस्ट वाला है एंड इट्स, बट मजा आ गया एकदम। तो हर जगह दिखाता हूँ आपको 360। तो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मोहन भाई चौहान एंड सुनाएंगे हमें मोर सिंह। तो चलते हैं कैमल सवारी की तरफ। ओ तो बैठ चुके हैं ऊंट पे, ओके भाई बाय अम्मा गड़ी, और सनसेट हो रहा है वंडरफुल, बहुत बढ़िया सनसेट। केसरिया मालमा
आओ पधारो मारे देश रे, पधारो मारे दे। तो अब हम आ गए हैं नॉन टूरिस्ट प्लेस में, यहाँ पे थोड़ा शांति है, वहाँ तो ऐसी भीड़ थी बाप रे बाप, पर जो हमने ऑलरेडी पे किया था उससे हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि समबडी इज हेयर जो चला रही हूँ। तो वैसे अच्छा तो यहाँ पे लग रहा है क्योंकि साइलेंस है एकदम यहाँ पे, और ये देखिए वाव। तो पहुँच चुके हैं वापस कैंप में, बढ़िया स्वागत हो रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। हम्मा खनी, थैंक यू। तो कॉपीराइट ना जाए, म्यूजिक चल रहा है, इससे पहले बोल रहे थे। अब करते हैं थोड़ा स्नैक्स, चल रहे हैं यहाँ पे स्नैक्स का। क्या बात है, तालियां। थैंक यू। अबे आसान तो इसे कालबिली अलते जिसे डांस करके आ गए हैं। अब जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ वापस। थैंक यू आदित भाई, थैंक यू। और अब चल गए हम कुलधरा के रास्ते, जा रहे हैं एक और बार कालू वाली एरिया से। अभी लग जाएगा हमें 40 मिनट ना, एक घंटा लग ही जाएगा। चलते हैं जैसलमेर। मॉर्निंग अपडेट्स, कल अच्छा रहा सैंड ड्यून्स में, प्रोग्राम वगैरह भी अच्छा था आपने जो देखा या आप देखेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे ज़्यादा बेस्ट क्या है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस बोलता है ना, तो वो एक्सपीरियंस बताएंगे ताकि जो और लोग भी आएँ उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। और आज क्या हुआ, कल वहाँ बहुत ठंड थी तो हमें आ गया बुखार, ज़बरदस्त बुखार आ गया है। अभी भेजा एक भैया को वो टैबलेट लेने के लिए। तो ट्रैवलिंग में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी बात यह है। और प्रॉपर ऐसा खानी है जैसे खिचड़ी विचड़ी ये चीज़ें खानी चाहिए, सूप, ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना ये रहे। तो अब दवाई खाते हैं, आज पूरा प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, या मे भी जाएंगे तो रात को जाएंगे, या कल हमें दोबारा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं आज वो स्माइल नहीं है, आई कैन स्माइल बट ये फेक स्माइल है, क्योंकि अंदर से बॉडी एकदम वो कर रही है, स्ट्रेच हो रही है और दर्द कर रहा है, बाहर देखने में भी दर्द हो रहा है छत में, लेकिन हम धूप सेकते हैं, अभी विटामिन डी तो लेते हैं एटलीस्ट। चलिए